हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नीड क्लासेस फैमिली में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे चीज के बारे में जो आप हमेशा अपने फोन में यूज करते हैं, वो काफी आप सिस्टम में कैसे यूज करेंगे। तो आप सोचेंगे क्या चीज है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने फोन को नाइट मोड, यानी कि जैसे हम अपने आंखों की सेफ्टी के लिए जब भी हम ज्यादा फोन यूज करते हैं नाइट में, यानी रात्रि में जब हम ज्यादा फोन यूज करते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, अपने फोन को नाइट मोड में कर देते हैं, डार्क मोड में कर देते हैं। तो वो मोड आखिर हम अपने सिस्टम में करना चाहते हैं तो कैसे होगा, यानी कि काफी ज्यादा समय तक हम ऐसे सिस्टम पे बैठे रहते हैं, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और सिस्टम उस सॉफ्टवेयर के यूज करने से हमारे सिस्टम हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी आंखों से पानी आने लगता है, सर दर्द करने लगता है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि अपने सिस्टम को डार्क मोड में करना या नाइट मोड में करना, तो कैसे करेंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला और आपको जानने आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये प्रोसीजर करते हैं। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे प्रोसीजर है और कैसे करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्या हमको यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, या किसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, या कोई साइट को डाउनलोड करना पड़ेगा, या कोई एप्लीकेशन लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। या आप विंडोज 7 में बैठिए, या विंडोज 8 में, या विंडोज 10 में, कोई भी सिस्टम पे बैठे रहिए, लेकिन आपको जो मैं प्रोसीजर बताने वाला, अगर इस प्रोसीजर को आप फॉलो करके जाते हैं, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आपका सिस्टम डार्क मोड या नाइट मोड में कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे विंडोज 10 पे बैठा हूँ, जो आप देख सकते हैं मेरा विंडोज 10 है, और इस विंडो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अपने सिस्टम का डार्क मोड और नाइट मोड को ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं दिस पीसी को ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा स्क्रीन रहता है, जिससे हमारी आंखों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और आंखों से हमारी पानी आने लगती है, कभी कभी सर दर्द भी करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कैसे प्रोसीजर है, क्या क्या करना है। सिंपली दोस्तों, आपको विंडो बटन को प्रेस करना है। अगर आपका 10 है तो विंडो बटन को प्रेस करिए, या विंडोज 7 है तो विंडो+R रन कमांड पे जाके आप सेटिंग ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप सेटिंग पे जा सकते हैं। आपको सभी लोगों को पता होगा सेटिंग पे कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं सेटिंग का हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट हमारे पास में ही सेटिंग ऑप्शन दिया रहता है, इस सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब इंटरफेस में पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डार्क मोड कैसे करते हैं, यानी कि टोटल ब्लैक करना है आपको स्क्रीन, तो कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों, कहीं भी आपको किसी ऑप्शन को ढूंढना नहीं कि किस में है, ऐप्स में है, सिस्टम में है, पर्सनलाइज में है, गेमिंग किस में है, आखिर ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढना। सिंपली सर्च मेन्यू में आना है और यहाँ पे लिख देना है डार्क मोड। डार्क मोड जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, टर्न ऑन डार्क मोड फॉर ऐप एंड टर्न ऑन डार्क मोड फॉर सिस्टम वाइड। तो हमको क्या करना है, सारे ऐप्स के लिए हमको पूरा डार्क करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐप्स चलाएंगे, तो सारे में हमारा डार्क मोड होना ही चाहिए, तभी हमारी आंखों के लिए सेफ्टी होगा। तो सिंपली क्या करें, डार्क मोड फॉर ऐप पे क्लिक कर दीजिए। पहले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं चूज योर कलर का ऑप्शन दिया, इसमें से आके आपको डार्क वाले पे क्लिक कर देना है। सिंपल तरीका है, चूज योर कलर पे आके डार्क वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपका सिस्टम पूरा ब्लैक हो जाएगा, यानी डिस्प्ले तो हमारा इसी ब्लू कलर में दिखाएगा, जो भी आपका बैकग्राउंड कलर रहेगा। लेकिन जब किसी सॉफ्टवेयर पे या किसी भी ओपन करेंगे, किसी भी ऐप को या किसी भी सिस्टम को, सारा कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक देखने को मिल जाएगा, जो आपकी आंखों पे थोड़ा भी प्रभाव नहीं करने वाला है। आप 3D ऑब्जेक्ट पे जाए, डेस्कटॉप पे जाए, डॉक्यूमेंट्स पे जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को ओपन करिए, तो आपका सारा ब्लैक ही दिखाएगा, ब्लैक ही ब्लैक। तो कैसा लगा ये जानकर कि हम अपने सिस्टम को कैसे डार्क मोड में कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं तो हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हमको चाहिए नाइट इफेक्ट, यानी कि आंखों पे हमारे ज्यादा रोशनी बना पड़े, और थोड़ा डिम लाइट रहे, यानी कि फेस लाइट जैसे हम यूज करते हैं, डिम लाइट यूज करते हैं, कुछ उस तरीके से रहे जैसे हमारे फोन रहता है, थोड़ा एकदम वार्म टाइप का रहता है, उस तरीके से अपने सिस्टम को करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ये जो हमने सेटिंग किया अभी को, इस सेटिंग को क्लोज कर देते हैं। सेटिंग पे आइए, सेटिंग पे आने के बाद फिर से वही सेम प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पे आइए और लिखिए डार्क मोड। डार्क मोड लिखने के बाद स्पेस दीजिए और पहले वाले ऐप पर आकर फिर दोबारा सिंपली यहाँ से चूज योर डार्क मोड में करके लाइट कर दीजिए। लाइट कर देंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। अब इसे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद ध्यान से देखिए कैसे हम अपने फोन को डार्क मोड में नहीं, नाइट मोड में कर सकते हैं। डार्क मोड में हम नहीं करने वाले, डार्क मोड में करने के लिए बता दिया, अब यहाँ पे मैं डार्क मोड नहीं, नाइट मोड में करने के लिए बताऊंगा। सिंपली विंडो बटन को प्रेस करिए, सेटिंग पे जाइए, सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मैं यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आके सबसे पहला जो ऑप्शन आता है सिस्टम पे, सिस्टम पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपको,
नाइट लाइट, यानी कि नाइट मोड में जो भी आपका कलर है नाइट लाइट करना चाहते हैं, जो भी आप टाइमिंग इसमें सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्ट्रीम जितना पहले तो मैं यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे शेड्यूल नाइट लाइट को ऑन कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आपका वार्म स्क्रीन हो जाएगा। आप जितना वार्म करना चाहते हैं उतना वार्म कर सकते हैं, ये आपकी आंखों पे थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप डार्क मोड से अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे पूरा ब्लैक स्क्रीन अच्छा नहीं रहा है, तो आप इस डार्क मोड को यूज करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिस्टम पे ज्यादा टाइम वर्क करना चाहते हैं तो आप इस नाइट लाइट सेटिंग यानी कि डार्क मोड नहीं वार्म मोड जो होता है इसका यूज करें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी आपके लिए बेनिफिट रहेगा आपकी आंखों के लिए। इसमें आप टाइमिंग भी सेट करते हैं जितना आपको टाइमिंग ऐड करना है, ये सिस्टम खुद सजेस्ट करते हैं अगर आप अलाउ कर देते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पे सेट हावर पे क्लिक करके आप जितना टाइम आपको ऐड करना है उतना टाइम ऐड करके अलाउ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आप सिस्टम पे ज्यादा वर्क करते हैं तो इस नाइट लाइट इस सेटिंग को यूज करके आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं, नहीं तो आप ज्यादा दिक्कत में पड़ जाने वाले हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये टिप्स जानकर, जानकारी नॉलेज टेक्नोलॉजी पाकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी वीडियो जानने के लिए और भी काफी चीजें कंप्यूटर कंप्यूटर से जुड़ी जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोटपैड, वर्डपैड, सीएसएस, एचटीएमएल, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।